हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी सिक्स सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस का यूनिट फर्स्ट चल रहा है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर जो आप लोग के हैं वो पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटी बाय डिजाइन। इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं QBD। तो इससे पहले थोड़ा सा आप सभी लोग अपना अपना सिलेबस निकाल लीजिए और देख लीजिए कि आज के लेक्चर में हम लोग को कितना टोटल कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस। तो आप सभी लोग का सिलेबस मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। वैसे आप लोग को सिलेबस अच्छा खासा मैं प्रोवाइड कर दिया हूँ। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो आई होप आप सभी लोग को मिल गया होगा। तो देखिए, यूनिट फर्स्ट का आप सभी लोग का सिलेबस यही है, जिसमें हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी ख़त्म कर चुके हैं, ICH गाइडलाइन भी ख़त्म कर चुके हैं, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी ये भी ख़त्म कर लिया है, ये सब कम्प्लीट कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वालिटी बाय डिजाइंड, जिसको बोलते हैं QBD। तो इसमें जितना सब कुछ टोटल है, टोटल आज के लेक्चर में हम लोग को कंप्लीट कर देना है, जिससे अगले वाले लेक्चर में हम लोग ISO स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में क्वालिटी बाय डिजाइन टोटल कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए, क्वालिटी बाय डिजाइन, प्रोडक्ट की क्वालिटी को किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है, कैसे किया जाता है, वही सब आप सब लोग को यहाँ पे इसमें पढ़ना है। तो क्या होता है क्वालिटी बाय डिजाइन, किसके द्वारा डिजाइन होते हैं, सभी कुछ आप लोग को जानना है। तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी को डिजाइन किया जाता है सिस्टमेटिक अप्रोच से, डेवलपमेंट किया जाता है जो कि होता है किसके साथ, प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल बेस्ड होते हैं साउंड साइंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पर। ठीक, तो यही इसका टोटल होता है क्वालिटी बाय डिजाइन। तो ये हो गया इसका इतना इंट्रोडक्शन, कैसे लिखना है आप सभी लोगों को। द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी बाय डिजाइन इज ए सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक, टू डेवलपमेंट दैट बींग विद द प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड इफाइज प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोसेस कंट्रोल्ड बेस्ड होते हैं साउंड साइंस एंड क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पर। ठीक, एंड QBD जो होते हैं हमारे इमर्जिंग टू इन्हेंस होते हैं, किसमें एश्योरेंस ऑफ सेफ। QBD अगर आ जाता है तो इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी बाय डिजाइन। तो एश्योरेंस टू सेफ हो गया, इफेक्टिव ड्रग सप्लाई होते हैं, ऑफर्स प्रोमाइसेस आप टू सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होते हैं इसमें। ठीक, यही सब एक दो पॉइंट आप सभी लोग को लिख लेना है। तो ये इतना हो गया, जान लीजिए इंट्रोडक्शन QBD का, क्वालिटी बाय डिजाइन का। बस इतना आप सभी लोग को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आ रहा है तो आप लोग कम से कम इतना तैयार कर लेना। ठीक, तो चलिए बात करने जा रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल QBD, क्वालिटी बाय डिजाइन, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी बाय डिजाइन। तो कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं पॉइंट वाइज करके आप सभी लोग को लिखना है। देखिए, तो इसमें होता है टू अचीव मीनिंगफुल प्रोडक्ट क्वालिटी सिग्निफिकेशंस होता है, जो कि बेस्ड होता है क्लिनिकल परफॉर्मेंस पर। ठीक, एंड टू इंक्रीज होता है प्रोसेस कैपेबिलिटी इंक्रीज होते हैं, एंड रिड्यूस प्रोडक्ट वेरिएबिलिटी, एंड जो होता है वेरिएबिलिटी, प्रोडक्ट की वेरिएबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। और कैपेबिलिटी जो होता है, आप लोग को बस यही समझना है कि प्रोडक्ट की जो वेरिएबिलिटी होती है वो रिड्यूस होता है, एंड प्रोडक्ट का जो होता है कैपेबिलिटी वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये इसका हो गया पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव, एंड ये लिख लेना है आप लोग। दूसरा जो आप लोग को फर्स्ट बताया हूँ ये लिखना है, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि इसका कैपेबिलिटी जो होता है वो इंक्रीज होता है, और वेरिएबिलिटी जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। उसके बाद देखिए, टू इंक्रीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये प्रोडक्ट का डेवलपमेंट जो होता है इंक्रीज होता है, एंड मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंस, ठीक, और मैन्युफैक्चरिंग इफिशियंस एंड प्रोडक्ट ये सब डेवलपमेंट होते हैं। ठीक, ये सब इंक्रीज होते हैं। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, टू इन्हेंस रूट काज एनालिसिस एंड प्रोस्ट अप्रूवल चेंज मैनेजमेंट एंड टू प्रिवेंट रेगुलेटरी कंप्लेंस इशूज एंड इंक्रीज होता है दी इफिकेसी ऑफ प्रोडक्शन, लोअर कॉस्टेड अवॉइड एंड वेस्टेज। तो ये एक दो पॉइंट, दो तीन पॉइंट हो गया इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल क्वालिटी ऑफ क्वालिटी बाय डिजाइन QBD।
अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ QBD, एडवांटेज ऑफ क्वालिटी बाय डिजाइन। तो चलिए देख लेते हैं इसका एडवांटेज क्या है। तो क्वालिटी बाय डिजाइन के एडवांटेज में देखते हैं, दो तीन पॉइंट जान लेते हैं। तो इसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस होने चाहिए, एंड लेस बैच फेलियर होते हैं, एंड मोर इफिकियंस एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ चेंजेस होते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट सेविंग होते हैं, ठीक होने चाहिए, ये सब इसमें होने चाहिए। यही सब इसके हैं एडवांटेज क्वालिटी बाय डिजाइन के, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं एडिशनल अपॉर्चुनिटीज की। तो चलिए थोड़ा सा एडिशनल अपॉर्चुनिटीज भी डाल लेते हैं, फिर इसके कुछ एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट भी जानते हैं। तो क्या क्या होते हैं इसके एडिशनल अपॉर्चुनिटीज? तो इसमें रिडक्शन ऑफ पोस्ट अप्रूवल सबमिशन होने चाहिए, उसके बाद मोर एफिकियंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से, मैन्युफैक्चरिंग से, एंड रिस्क बेस्ड होते हैं अप्रोच एंड आइडेंटिफिकेशन, एंड इनोवेटिव प्रोसेस वैलिडेशन अप्रोच होते हैं। तो ये कुछ का हो गया इसका कुछ पॉइंट एडिशनल अपॉर्चुनिटीज। चलिए कुछ एलिमेंट जान लेते हैं हम लोग क्वालिटी बाय डिजाइन के। तो इसमें देखिए कुछ एलिमेंट है, जैसे कि आप लोग का सबसे पहला हो गया टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल होने चाहिए, जिसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं TPP, एंड टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल होते हैं जिसको TPQP बोलते हैं, एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट होते हैं एलिमेंट, और क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट होते हैं जिसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं CMAS, ठीक। एंड प्रोसेस पैरामीटर होते हैं जिसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं PP, डिजाइंड स्पेस होते हैं, डिजाइन किए जाते हैं स्पेस से, इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं DS। अब इसके बारे में एक एक पॉइंट एक एक करके आप लोग को हेडिंग डाल के थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर देना है, जिससे अगर 7 नंबर में क्वेश्चन आए या फिर 10 नंबर में आए, कभी कभी सीधा पूछ लेता है राइट डिटेल नोट ऑन क्वालिटी बाय डिजाइन, या फिर राइट डिटेल नोट ऑन QBD, या फिर राइट द एलिमेंट ऑफ QBD। तो एलिमेंट पूछ लेता है 7 नंबर में, तो एकदम अच्छे तरीके से इसको बना। अगर 2 नंबर में पूछता है राइट ए शॉर्ट एलिमेंट ऑफ QBD, तो बस आप लोग को इतना बना देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप सभी लोग को हेडिंग डालना है, फिर इसको इस तरीके से थोड़ा स्ट्रक्चरल बना देंगे। स्ट्रक्चरल बनाने के बाद इसको एक एक करके बारी बारी से थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर देना है, डिफाइन कर देना है, बस एकदम अच्छा खासा नंबर आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला आप लोग हेडिंग डालेंगे टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, जिसको साइट वर्ल्ड में बोलते हैं TPP। फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, TPP का फुल फॉर्म लिखिए, TPQP का फुल फॉर्म लिखिए, तो आप लोग थोड़ा सा ये फुल फॉर्म भी तैयार कर लेना, इसके बारे में जानकारी ले लेना, नहीं तो फुल फॉर्म में ही कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक। तो टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल में लिखेंगे इट इज थ्योरी बेस्ड होता है पेशेंट एंड लेबलिंग पर, ठीक। सबसे पहला पॉइंट आप लोग यही लिखेंगे कि ये बेस्ड होता है, ये थियोरी हमारा बेस्ड होता है पेशेंट एंड लेबलिंग पर, एंड दिस रिक्वायर राउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डोजेज फॉर्म स्ट्रेन टोटल एंड मिनिमम डोजेज फार्मास्यूटिकल एलिगेंस टारगेट नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक। अब टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल क्या होता है तो ये भी देख लीजिए, इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं TPQP, टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल। तो देखिए टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल इज डिफाइंड एज द प्रोस्पेक्टिव एंड डायनेमिक रिवाइव ऑफ द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट, ठीक। ये हो गया इसका TPQP के बारे में। अब हम लोग जानने जा रहे हैं क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट, ये भी एलिमेंट के बारे में जान लीजिए, तो इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं TQA। तो TQA इज डिफाइंड एज ए फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। इसको डिफाइन किया जाता है फिजिकली केमिकली बायोलॉजिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा, दैट शुड बी विद इन द रिस्पॉन्सिबल लिमिट टू द इंज्योर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। तो ये इसका तीसरा पॉइंट हम लोगों ने कौन कौन सा देख लिया, एलिमेंट हम लोगों ने देख लिया टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल, उसके बाद टारगेट प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोफाइल एंड क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट। 3 और बचा है, इसको भी देख लेते हैं, क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट एंड प्रोसेस पैरामीटर एंड डिजाइन स्पेस। तो चलिए ये भी बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट, तो इसको शॉर्ट वर्ड में बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स लिखा है तो इसको बोल सकते हैं शॉर्ट वर्ड में CMAS। तो क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स इज डिफाइंड एज ए फिजिकली केमिकली बायोलॉजिकल्स एंड माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा आप द रॉ मटेरियल जो कि नीड होता है मोनिटर्ड के लिए टू एंज्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट,
ठीक, यही होता है क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट्स। तो इसके बारे में दो दो तीन तीन लाइन लिखा हूँ, आराम से इसको अच्छा खासा लिखा हुआ है सॉलिड में, आराम से इसको एक से दो बार अगर पढ़ लेंगे तो आप लोग का तैयार हो जाएगा। ठीक, देखिए प्रोसेस पैरामीटर, प्रोसेस पैरामीटर क्या होता है, दो नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल मटेरियल एट्रीब्यूट एंड प्रोसेस पैरामीटर, या फिर व्हाट इज प्रोसेस पैरामीटर एंड डिजाइंड स्पेस। क्या होता है प्रोसेस पैरामीटर एंड डिजाइंड स्पेस, दो नंबर के क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। तो प्रोसेस पैरामीटर जो होता है, यह एक इनपुट ऑपरेशंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। इनपुट ऑपरेशंस पैरामीटर आप सिस्टम या फिर यूनिट ऑपरेशंस आप लोग इसको बोल सकते हैं। दिस इज एनी ऑपरेशन पैरामीटर आप सिस्टम या फिर यूनिट ऑपरेशंस बोल सकते हैं, एंड प्रोसेस ऑफ स्टेट वेरिएबल्स। तो यही होता है प्रोसेस पैरामीटर एंड डिजाइन स्पेस। क्या होते हैं ए डिजाइन स्पेस कैन बी डेटा डिजाइन फॉर ए सिंगल या फिर मल्टीपल यूनिट के द्वारा इसको कर सकते हैं डिजाइन, ऑपरेशंस आर होल सिस्टम, या ऑपरेशंस कर सकते हैं या फिर पूरे सिस्टम को कर सकते हैं डिजाइंड। तो आई होप आप सभी लोगों को इतना आज का लेक्चर एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्वालिटी बाय डिजाइंड में एक एक हेडिंग अच्छे तरीके से आराम आराम से डाल के और पूरा टोटल अच्छे तरीके से लिख लेना। वैसे जब यूनिट कंप्लीट होगा आप लोग का तो तुरंत नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और सभी जगह जहाँ जहाँ आप लोग ज्वाइन हैं सभी जगह आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे अगले वाले लेक्चर में हो सकेगा तो पूरा यूनिट खींच दूंगा, नहीं तो ISO पूरा टोटल कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।